नमस्कार मित्रों, टारगेट विद प्रहरा चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो मैंने अपना टॉपिक लिया है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में जो दुकानदार की चोरी और बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन होता है, यानी दुकानदार जो चोरी और बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन जो बनता है उसी क्वेश्चन को हमने लिया है और बहुत ही आसान ढंग से बताएँगे। हाँ, बहुत ही आसान ढंग से बताएंगे। इतना आसान हो जाएगा कि आपको फिर सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, एक बात और बता दूं आपको कि ये जो प्रॉफिट लॉस में दुकानदार की चोरी या बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन है वो कोई एक टाइप नहीं होता है, वो चार टाइप का होता है। और एक टाइप आप सीख लेते हो तो अपने आप को बाहुबली समझने लगते हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको चार के चारों टाइप सीखना है और रियल का बाहुबली बनना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब दुकानदार चोरी करेगा या बेईमानी करेगा तो वो अपने लाभ के लिए करेगा, है ना। तो इतना हमेशा जानते रहिए कि दुकानदार यदि चोरी कर रहा है या बेईमानी कर रहा है तो उसमें उसका लाभ निहित है, है ना। तो इसमें दुकानदार की चोरी या बेईमानी से संबंधित क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है दुकानदार को लाभ होगा। चलिए हम अपने पहले टाइप के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लेते हैं इसको। कह रहा है, एक फल विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी फल विक्रेता जितने में सामान खरीद करके लाया ना उतने रुपए में ही बेचता है, परंतु एक किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, तो फल विक्रेता का प्रतिशत लाभ बताओ। अब देखिए कहा है ना, परंतु एक किलोग्राम के स्थान पर, परंतु जहां उसको एक किलो देना चाहिए, एक किलो देने का मतलब है 1000 ग्राम देना चाहिए, है ना। जहां उसको 1000 ग्राम देना चाहिए वहां पर वो कितना 900 ग्राम ही दे रहा है। अब ये चीज़ ग्राहक को थोड़े बताएगा, वो बताएगा नहीं, लेकिन वो ग्राहक को क्या बता रहा है, ग्राहक को वो बता रहा है कि जितने में खरीद कर ले आए हैं उतने में ही दे रहे हैं, लेकिन वो आपको 1000 ग्राम के बजाय वो 900 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ पर वो चुरा कितना रहा है, जहाँ 1000 ग्राम देना चाहिए था वहाँ 900 ग्राम ही दिया, तो चुराया कितना, चुराया है 100 ग्राम। तो यहाँ पर वही प्रतिशत लाभ का फार्मूला होगा, यहाँ पर इस टाइप में चोरी बटे ये चोरी चोरी बटे दिया गया मात्रा गुणे 100, यही इस क्वेश्चन को लगाने का फार्मूला है। तो चोरी 100 ग्राम का कर रहा है तो 100 बटे 100 ग्राम चोरी करके दिया गया मात्रा, यानी दिए कितना रहा है, 100 ग्राम चुरा ले रहा है तो दे कितना रहा है 900 ग्राम, तो बटे में क्या रहेगा 900 और गुणे यहाँ पर 100 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, देखिए ये 2 शून्य नीचे से 2 शून्य ऊपर से कैंसिल हो गया ना, 100 के बटे में 9 और 9 से हम इसको डिवाइड करें, 9 एकन्नम 9 बचा 1 10 हो जाएगा, 9 एकन्नम 9 बच गया 1 9 से, तो 11 से 1/9। जी हाँ दोस्तों, बस ये ऐसे ही बहुत ही आसान ढंग से आप लगा सकते हो। केवल हमेशा इतना जानते रहिए कि कितना वह चोरी कर रहा है और चोरी करने के बाद कितना वह दे रहा है। तो इसने चोरी किया था 100 ग्राम और 100 ग्राम चोरी करने के बाद 900 ग्राम दिया था, बस 100 जितना चोरी किया और जितना दिया उसी को रख लेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ये तो हमारा पहला टाइप है। पहले टाइप में एक क्वेश्चन और बनता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, चलिए उसको देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसे लगाइए तो ज़रा। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक कपड़ा विक्रेता कपड़े को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह कपड़ा मापते समय 30% कपड़ा चुराता है, इस प्रकार उसका प्रतिशत लाभ बताइए। ये 30% कपड़ा चुराता है तो इस प्रकार उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, कितने लोग होंगे ना वो कहेंगे भैया 30% चुराता है तो वही तो लाभ हो गया उसका, तो ऐसा नहीं है, है ना।
अगर आप भी सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं हम कैसे लगाते हैं इसको। देखिए अभी हमने बताया ना, इस टाइप के क्वेश्चन में जब कपड़ा चोरी की बात होती है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, प्रतिशत लाभ बराबर चोरी बटे दी गई मात्रा गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यही तो हमने फार्मूला बताया था ना। इस फार्मूले को बार बार लिखना नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको तो नहीं लिखना है ना। तो देखिए चोरी कितना किया, यहाँ पर तो सीधा सीधा बताया गया है कि 30% चुराया। जब 30% चुराया तो दिया कितना, 70% दिया ना, 70% दिया। बस यही तो इतना है, चुराया कितना, चुराता है 30% तो दिया कितना, 70%। तो 30 बटे बटे क्या रहेगा, दी गई मात्रा, तो दे रहा कितना, 70%, तो बटे 70 हो जाएगा, गुणे कितना, 100। बस इसी को सॉल्व करना था, इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 100 3 300 300 के बटे में 7 रखेंगे 300 के बटे में 7 रख देंगे, ऐसे 300 के बटे में 7 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 7 चौके 28, 2 बच गया 20, 7 दूना 14 बच गया 6 7 से 42, सही 6/7 आपका उत्तर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप ये इस भ्रम में थे कि 30% कपड़ा चुरा रहा है तो 30% ही लाभ होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, है ना। उसको लगाने का जो ये मैंने प्रोसेस बताया है, ये आपका प्रोसेस है, इसको अपनाइए और तब क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। चलिए अब हम दूसरे टाइप की ओर चलते हैं, है ना। दूसरे टाइप को देख लेते हैं कि दूसरा टाइप क्या है। देखिए इसमें हमने क्या निकाला, प्रतिशत निकाला ना, वहाँ पर हम लोग वजन निकालेंगे। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरा क्वेश्चन भले ही है लेकिन ये टाइप अलग है, है ना। वहाँ पहले दो क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पहले दो क्वेश्चन में हमने देखा प्रतिशत ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर हम जिस बाट का वह प्रयोग कर रहा है वह बाट कितने ग्राम का है ये हमको ज्ञात करना है, क्योंकि वो बेईमानी करेगा, है ना, तो गलत बाट का प्रयोग करेगा, तो वो गलत बाट कितने का है ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौलता है, यानी कितने ग्राम का बाट यूज करता है या तौलता है, बात सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर ना, जब क्रय मूल्य पर ही सामान देगा तो उसको लाभ कैसे होगा, तब उसको लाभ होगा कटौती करने पर, यानी गलत माप का प्रयोग करके वह लाभ तब प्राप्त करेगा, और गलत माप का प्रयोग करके ही ये 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौलता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनिए और समझिए, ये 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम हो गया। अब ये 1000 जो ग्राम है ना, वो क्या है, 20% लाभ पा रहा है, यानी ये 120% के बराबर है। ये क्या है, 1000 ग्राम किसके बराबर है, 120% के बराबर है। और मैं क्या करता हूँ ना, कि जितने के बराबर होता है मैं उसको बटे में रखता हूँ, जैसे 120% के बराबर है तो मैं बटे में भी 120 को लिख लेता हूँ, है ना। अब क्यों लिखता हूँ इसका भी रीजन जान लीजिए। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि 120% बराबर 1000 ग्राम, 20% का लाभ होगा, तो 100% हमारा तो खुद का होता है, 20% मुनाफा हो जाएगा, तो 100% हमारा, 20% लाभ वाला, दोनों जोड़कर 120% मिलेगा ना। तो अब ये 1000 ग्राम वह कितने में बेचेगा, 20% लाभ पर माने 120% पर, तो 1000 ग्राम बराबर 120%, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 बटे 120 हो जाएगी ना। अब देखिए 1% की वैल्यू इतनी हो गई, जब 1% की वैल्यू इतनी हो गई तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 100 से
गुणा करेंगे। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मैं डायरेक्ट यही करता हूँ कि ये 1000 ग्राम 20% लाभ पर है, यानी 1000 20% लाभ माने 120% पर है, और 100% की वैल्यू हम ज्ञात कर लें। तो 100% की ज्ञात कर लेंगे तो 120 में से 100% हम ज्ञात करें, मतलब जो लाभ है वो तो हट जाएगा ना। जब वो हट जाएगा तो देखते हैं कितना आता है। ये 20 × 5 = 100, 20 × 6 = 120, 5 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा? 5000/6, 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 × 8 = 48, बचा 2, 20 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, बचा 2, पुणे 20 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 2 बच जाएगा किस से? 6 से, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 833 सही 1/3, 833 सही 1/3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान है ना। आप अपनी बुक पर उठाइए, वहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए, थोड़ा सा प्रयास करिए, निश्चित रूप से अच्छे से लगेंगे। चलिए अब हम अपने दूसरे टाइप के दूसरे क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा हम लोगों का। ये देखिए हमारे दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा क्या है? एक बेईमान दुकानदार ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वह किसी ग्राहक को 40 किलोग्राम कह कर दिया हो तो वास्तव में वह उसे कितना कम दिया, यानी कितना राशन या कितना वजन उसने कम दिया है, यही आपको ज्ञात करना है। अब देखिए हम करेंगे क्या ना, कि वो तो कहा क्या 40 किलोग्राम, लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग किया है ना, बताएगा थोड़े वो, है ना, 40 किलोग्राम कह कर दे रहा है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके वह 25% का मुनाफा कमा रहा है। अतः ये 40 किसके बराबर है? 25% का लाभ माने, अभी पीछे बताया मैंने, 125, है ना, 125% के बराबर है, जिसके बराबर होता है मैं उसको बटे में रखता हूँ, और जो ज्ञात करना होता है उसको मैं गुणे में रखता हूँ, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये 25% जो मुनाफा कमा रहा है उसको हटा दें तो क्या हो जाएगा? 100% आ जाएगा ना, तो 100% की वैल्यू मैं ज्ञात करता हूँ। अब देखिए 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, और ये 5 × 8 = 40, 8 × 4 = 32, यानी जहाँ उसको 40 किलो वो तो कह कर दिया है 40 किलो दे रहा हूँ, लेकिन गलत बाट का प्रयोग किया है, 25% मुनाफा कमाया है, वो 25% निकाल करके मैं 100% ले आया तो 32 किलो मिल रहा है, यानी 32 किलो वो वास्तव में कितना दिया? 32 किलो, तो कितना कम दिया? 8 केजी कम दिया। दोस्तों यही आपको ज्ञात करना था, वह उसे कितना कम दिया? तो 8 केजी कम दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो मेरा पसंद आया होगा। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं आश्वस्त कर दूँ कि आज मैंने दो ही टाइप पढ़ाया, थोड़ी सी तबीयत खराब है इस वजह से दो टाइप में पढ़ा दिया हूँ, दो टाइप अगले दिन मैं आप लोगों को दे दूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों टाइप कंठस्थ हो गए होंगे, आ गया होगा अच्छे से, दोनों टाइप को आप अपने बुक से दोनों टाइप के क्वेश्चन को लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए और अभ्यास कीजिए। अगले दिन दो टाइप और इसका बचता है उसको भी मैं लेकर जल्द ही आऊँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अपने दोस्तों में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।